हेलो इन्वेस्टर्स, आज की वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में और साथ ही डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग कुछ लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में ओला के शॉर्ट टर्म टारगेट्स और लॉन्ग टर्म में इसके क्या टारगेट्स होने वाले। तो स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो फिलहाल ये स्टॉक हमें 126 रुपीस पर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है और आज भी स्टॉक में अराउंड हमें एक 2% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जहां रिसेंटली स्टॉक में हमें लिस्टिंग के बाद एक काफ़ी अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी, जहां पे लिस्टिंग के डे भी अगर किसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था तो विद इन कुछ ही दिनों के अंदर आपका जो प्रॉफिट है इसमें वो डबल होते हुए नज़र आ चुका था। और फिलहाल एक तरह से देखा जाए पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में कंटिन्यूसली हमें एक गिरावट देखने को मिल, जब पिछले 6 दिनों की बात करें तो पिछले 6 दिनों में ओला इलेक्ट्रिक में अराउंड हमें 30% का डाउनफॉल ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल चुका है। तो फिलहाल एक तरह से देखा जाए जो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होती हुई नजर आ रही, जिसके चलते स्टॉक में हमें कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल यहाँ पे होते हुए नजर आ रहा है। और जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी, एक बार यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद स्टॉक में आपको फिर से एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी, जहाँ से ये स्टॉक आपको फिर से एक बड़ी रैली के साथ ईजिली 150 और 180 के टारगेट्स भी बहुत जल्द आने वाले शॉर्ट समय में दिखाते हुए नजर आ सकता है। और अब बात करते हैं स्टॉक की डिलीवरी वॉल्यूम के ऊपर। तो पिछले कुछ दिनों से, जैसे कि आपको मैंने रिसेंटली वीडियो में बोला, एक तरफ तो स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नजर आ रही, लेकिन दूसरी तरफ देखोगे तो अभी भी स्टॉक में हमें कंटिन्यूसली काफ़ी बड़ी बड़ी लार्ज डील्स देखने को मिल रही, जिसके चलते स्टॉक का जो डिलीवरी वॉल्यूम है उसमें भी हमें एक अच्छी खासी यहाँ पे डिलीवरी होते हुए नजर आ रही। जब पिछले कुछ दिनों की बात करें, जब रिसेंटली स्टॉक की जो डिलीवरी उसमें हमें एक ड्रॉप भी देखने को मिला था, लेकिन पिछले 2 या 3 दिनों से आप नोटिस करोगे तो स्टॉक में फिर से हमें एक अच्छी खासी यहाँ पे डिलीवरी उठाती हुई नजर आ रही, जो कि फिलहाल एक तरह से देखा है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट नजर आ रहा है। और जैसे कि आपको मैंने रिसेंटली वीडियो में बोला, बहुत जल्द स्टॉक में आपको फिर से एक बड़ी रैली देखने को मिलते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से आप देखा जाए तो ओला इलेक्ट्रिक कंटिन्यूसली हमें 126 और 124 के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाते हुए नजर आ रहा है। और जब भी स्टॉक ऐसे अपना रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देगा तो स्टॉक में हमें एक अच्छी रैली तो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स को। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, रिसेंटली ये स्टॉक हमें स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ है और पिछले काफ़ी लंबे समय से ओला इलेक्ट्रिक एक लॉस मेकिंग कंपनी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में हमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम और एक अच्छा खासा गेन देखने को मिला, जिसके चलते फिलहाल एक तरह से देखा है तो स्टॉक में जो डाउनफॉल जो हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है उसके पीछे जो मेन रीज़न है, जहाँ रिसेंटली एक आर्टिकल हमें देखने को मिला था जहाँ ओला इलेक्ट्रिक जो मार्केट शेयर है उसमें हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला था, जिसके चलते भी इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें स्टॉक के प्राइस के ऊपर देखने को मिला था। जब जुलाई मंथ की बात करें तो जुलाई में इनका जो मार्केट कैप्चर था जो कि अराउंड हमें 39% था, जो कि अगस्त महीने में आते आते अराउंड 33% हमें देखने को मिल रहा है। तो देखा तो अराउंड 6% का डाउनफॉल हमें देखने को मिला ओला इलेक्ट्रिक के मार्केट कैप्चर में, लेकिन रिसेंटली जो कंपनी कंटिन्यूसली जो इनके ब्रांड्स मार्केट में उतरते हुए नजर आ रही, जिसके चलते जो कस्टमर्स है वो भी इनके प्रोडक्ट्स के और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे। और जैसे कि आपको मैंने बोला, अभी भी ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसलिए आपको ओला इलेक्ट्रिक में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में तो आपको एक काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट होते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि जिस तेज से जो कस्टमर बेस इनका डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहा है, जिसके चलते आने वाले समय में कंपनी में हमें एक अच्छा नेट रेवेन्यू तो जनरेट होते हुए नजर आएगा और साथ ही कंपनी के जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स है वो आने वाले समय में सभी के सभी यहाँ पे पॉजिटिव भी होते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके चलते यही एक मेन रीज़न है कि ओला इलेक्ट्रिक में शॉर्ट टर्म में तो आपको कोई बड़े गेन्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेगा उनको डेफिनेटली आने वाले समय में एक मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलते हुए नजर आ सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। ओला इलेक्ट्रिक में जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट या जैसे कोई लेटेस्ट न्यूज़ होगी तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।